आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप YouTube के आउट्रो बना सकते हैं, क्या है ये, और कैसे आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स पा सकते हो। तो इस हैक और ट्रिक के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखते हुए चले जाना। ओह शिट यार, ये कहाँ से आ गया, अब यहाँ भी पीछे देख रहे, सही तरह लग गया ना, लग गया माइक और के बैठा है, बैंडल लग रहा है माच्छर। तो यार यार, आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और मैं ट्राई करूँगा कि और इसको यार मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल ना लाऊँ। माच्छर भूलिए मना, मेरी वजह है ना तू आज खड़ा आड़े, और तेरी मेरी वजह है ना तेरे व्यू बटन लाग रहे, और भूलिए मना इस बात को, असली ओनर ना मैं हूँ इस चैनल का, तू ना, और तेरी मेरी वजह है तू आज यूं नू आंगा बांगा खड़ा है। मेरी सास सुख है, कौन बुझ जाए अगर तमीर से आके बार बार टॉपिक बता दे, टॉपिक बता दे है तेरी बतेरी के। क्या हम काम की बात कर सकते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो? जनाब ना ना, रोक का चालू कर फिर। तो भाई लोगों, आज हम बात करेंगे। तो भाई लोगों, आपको याद होगा रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक सजेशन बॉक्स डाला था और आप लोगों से पूछा था कि आउट्रो के बारे में आपकी क्या क्या क्वेरीज है, आप लोग मुझे उसके बारे में बताओ। मना नू बता, आंधा तो ना है, मैं खड़ा और ना दिखता था ना अड़े, चल मैं ना दिखता, यो दिखे है यो भी ना दिखती होगी तो, यो दिखे है यो भी ना दिखती होगी तो डर जाएगा वे, यो दिखे है यो भी ना दिखता, अच्छा यो तो दिखता होगा, समझ जाइए, इसकी आन बोलना ना दिया ना था ना मेरे को, समझ जाइए बस। स्क्रिप्ट कहते हैं उसे। तो यार वेट गाइस, यार मैं आपको स्क्रिप्ट दे के आता हूँ, वरना हमें जीने नहीं देगा और हमारी इस वीडियो को आगे बढ़ने नहीं देगा। A few moments later. ई में तो सब कुछ उल्टा सुल्टा लिख रखा है, उल्फा उल्फी के है यो, स्क्रिप्ट उल्टी पकड़ी है भाई। तो रे भाई गलती होगी मारता, मैं बोलूँगा। ओके ओके भाई आप बोलो। तो भाई लोगों, मैं आपको इसके एडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा। होता क्या है कि आपका जितना अच्छा आउट्रो होगा ना, उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, क्योंकि आउट्रो की वजह से जो व्यूज़ होते हैं वो आपके लिए बढ़ते हैं। एक क्लोजर मिलता है आपकी वीडियो को, क्लोजर इन द सेंस से पता लगता रहता है कि हाँ भाई अब आपकी वीडियो जो है वो ख़त्म होने वाली है, और एक उसको एक एंड मिल जाता है। जो सब्सक्राइबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं आउट्रो की वजह से, कि नेक्स्ट वीडियो में हमें किसको जाके क्लिक करना है, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर्स के लगते हैं कम एफर्ट, और आपके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू एक्सपेरिमेंट एंड लर्न फ्रॉम देम। सरकार अ वेलकम स्पीच दे। हेलो देयर, और के हाल चाल आप लोगों का, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे, मैं आप लोगों का होस्ट और दोस्त। तो आपको बताना चाहते हैं कि हम वीडियो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं एक छोटी सी मसूरी के बाद। तो भाई लोगों, मैं आप लोगों को इतना ज़रूर बता दूं, जब आप वीडियो अभी देखोगे ना, आप इसके पूरे फंडा जो होता है वो मेंटल वो भी सीख जाओगे, और इस तरह के और कुछ इस तरह के बहुत सारे आप आउट्रो बनाना भी सीख जाओगे, और इसकी जो बेसिक चीज़ें ज़रूरतें होते हैं वो भी सीख जाओगे। तो वीडियो को देखते हुए चले जाना, मसूरी स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, मैं देख लियो जाके। अब आपको अपने लैपटॉप या पीसी में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, वहां से आपको इन वीडियो डालना है। इन वीडियो में ऑलरेडी ऐसे डाल चुका हूं तो मेरा आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छी चीज क्या है, इस साइट के थ्रू आप लोग जो आउट्रो का एक फंडामेंटल होता है वो बहुत इजीली सीख जाओगे। आपको बनाना इजी आ जाएगा सीखना, कि कैसे आप अपने चैनल की एक अच्छा इंट्रो बना सकते हो, और कैसे आप लोग ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर्स पा सकते हो। तो बहुत सिंपल सा इंटरफेस है इस साइट का। तो आप लोग करना क्या है, सिर्फ यहाँ से जाना और एक आउट्रो होता है उस पर क्लिक कर देना, या आउट्रो आपको टाइप करना पड़ेगा, और यहाँ से मैंने आउट्रो डाल दिया है। तो यहाँ से हम सर्च मार लेते हैं, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अब आपको सिर्फ पसंद करना है कि आपको कौन सा यूज करना है टेम्पलेट आउट्रो के लिए। तो फॉर एग्जांपल यार मैं ये ले लेता हूँ। तो आपने अगर देखा होगा तो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे आप इंट्रो बना सकते हो, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन पर डाल दूंगा और वहां से आप बना पाओगे। यहाँ से आप लोगों को आउट्रो का जो फ्रेम है उसे चूज कर लेना है, यूट्यूब के लिए ले रहे हो तो वाइड जाता है, और
यूज दिस टेम्पलेट्स पे आपको क्लिक कर देना है। जो फंडामेंटल्स है इसका वो बहुत ही इजी है। तीन सिंपल चीजें हैं जो आपको आउट्रो बनाते हुए ध्यान रखनी है। आपकी वीडियो को एक क्लोजर मिल जाना चाहिए, लेस कंफ्यूजिंग होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा लेस कंफ्यूजिंग होगी उतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स जो आपकी फैमिली जो आपसे जुड़ चुके हैं उन्हें लेस टाइम लगेगा किसी चीज पे क्लिक करने के लिए, और आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ज्यादा बिना किसी एफर्ट्स के आपके पास आ जाएंगे। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि न्यू कॉन्टेंट एवरी मंडे आ रहा है, तो आप इसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। मैं यहाँ से इसे मोंडा लिखा हुआ था तो मैं इसे मंडे कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा साइज बढ़ा के। सब्सक्राइब का ऑप्शन यहाँ से आ चुका है, यहाँ पर देख पा रहे हो दो ऑप्शन आ रहे हैं। अपलोड लोगो का ऑप्शन ये रहा तो मैं इस पे यहाँ से क्लिक कर रखा है, तो यहाँ से आपको जस्ट सिंपल है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से ओपन कर देना है। जो आपका लोगो है इस तरफ आप देख पा रहे हो कि अपलोड होना चालू हो गया है और आपका जो लोगो है सिंपल सी यहाँ दिखना चालू हो जाएगा। ये रहा आपका लोगो, यहाँ से आपका लोगो आ चुका है। अब रही इसकी बात, यहाँ से आप भी अपना लोगो डाल सकते हो, सेम आपको यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से आपका लोगो आ जाएगा। नेक्स्ट चीज की हम जो बात करते हैं वो ये कि आपको डब्बों का साइज कितना बड़ा रखना है, कि आपको यहाँ से लिखना है प्रीवियस वीडियो है या फिर आप न्यू वीडियो लिखना चाहते हैं, वो उसके लिए है। यहाँ से आप सारी चीजें क्लिक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज की हम जो बात करेंगे वो है एडिटिंग की। अब आपको यार पसंद करना है कि इसका हो सकता है आपको कलर पसंद नहीं आ रहा या फिर हो सकता है इसका साउंड नहीं आ रहा है। एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ वीडियो में करते हुए, वो क्या है, जब भी आप इसका साउंड है वो हमेशा चेंज कर देना। अगर आप इसी साउंड को यूज करोगे तो आपको कॉपीराइट की क्लेम जरूर आएगा, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आपके चैनल पे यार कॉपीराइट का स्ट्राइक आए। तो हम जो नेक्स्ट चीज बात करेंगे वो है कलर्स की। आप इस पूरे बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है, यहाँ से जाना आपका कलर्स का ऑप्शन, यहाँ कलर्स के ऑप्शन आपके पास ढेरों है, जो आपको पसंद आता है आप उस पर सिंपल क्लिक कर दीजिए, वहां से अप्लाई हो जाएगा, एक नया कलर आपको हर बार पाएगा। बॉक्सेस का कलर भी आप डिफाइन कर सकते हो जो ऐसा आपको पसंद आता है। हर चीज है यहाँ पर, फोल्डर्स है। नेक्स्ट चीज टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आप यहाँ चेंज कर सकते हो। मुझे हो सकता है मुझे टेक्स्ट पसंद नहीं आ रहा है और मुझे यहाँ से दूसरा टेक्स्ट लाना है, तो आप इनको भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए आप टेक्स्ट पे क्लिक करिए और आपके पास जो और बहुत सारे आएंगे आपके पास टेक्स्ट के ऑप्शन जो आप चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस, तो आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ आ जाएगा। Now we have to wait for a second. आपके जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पर एड हो चुका है। आपको नया टेक्स्ट और एड करना है आप यहाँ से बिल्कुल एड कर सकते हो। अगर आपको इस तरह का टेक्स्ट नहीं पसंद आ रहा, आपको नहीं डालना है, तो आपको सिंपल इसे डिलीट कर दी। अब हम जो नेक्स्ट चीज के ऊपर बात करेंगे वो है एनिमेट करने की। आप इन सारी चीजों को भी एनिमेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस आउटर बॉक्स पे क्लिक करा, एनिमेट का ऑप्शन, आप एनिमेट का ऑप्शन देख पा रहे हो, कोई नहीं है। ऐसे क्लिक करा, कितने सेकंड्स के लिए आपको एनिमेट करना है उस सेकंड के लिए आप क्लिक कर दीजिए एंड में, और हमें यहाँ से क्लिक करना और वीडियो हमारी स्टार्ट है। ऐसे करके आप बहुत ही अच्छे अच्छे टेम्पलेट बना सकते हो। तो यार मैं आपको जल्दी से बता दूं कि मेरा भाई इस वक्त वॉशरूम में गया हुआ है, और वैसे तो YouTube भी आपको आउटरो बनाने का पूरा चांस देता है, बट लेकिन YouTube का जो आउटरो बनाने का चांस होता है उसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन आप नहीं कर पाओगे, तो आपको इतने ज़्यादा ऑप्शन जो है वो नहीं मिल पाएंगे। तो हमेशा एक आउटरो का फॉर्मूला है, वो हमेशा अपने ध्यान में याद रखना। जितने ज़्यादा आप लेस ऑप्शंस दोगे उतने ज़्यादा जो आपकी पब्लिक है, आपके जो फैमिली है, वो लेस कंफ्यूज होंगे, उतने ज़्यादा क्लिक्स होंगे। मोर क्लिक्स इज इक्वल टू मोर व्यूज़ एंड मोर व्यूज़ इज इक्वल टू मोर सब्सक्राइब। तो इस फॉर्मूले को याद करना बिल्कुल मत भूलना। और लगता है मेरा भाई आने वाला है, तो अभी हम जल्दी से वीडियोस ख़त्म करने वाले। अगर आपको लगे कि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। चल रहा भाई, इव एंड भी करना है और आखिरी में इन्हों भी बताना है कि आखिर में ज़्यादा से ज़्यादा हमने एक महीने में किस तरह 300 ऑर्गेनिकली सब्सक्राइबर पाए थे। अगली वीडियो का इसका भी टॉपिक दे रहा है हमें, बताते हुए जाना। और तू बाय क्यों करने लाग रहा है जब तक है? सब कुछ बता तो दे दिया इसने थार को पहले ही, कहते जबड़े पे घुसा खाया है, मेरी बात का जवाब ना दे रहा है तू है। चलो भाई लोगों, मैं बताऊँ आपको अगली वीडियो में ज़्यादा सब्सक्राइबर कैसे पाओगे, आप ज़रूर देखना।